हेलो हाय, कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम, राम राम, क्या हाल है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए और बहुत अच्छा कंटेंट है ये। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे एक डीसी मशीन से एटलीस्ट इतना बता दोगे कि हार्डवेयर फॉल्ट है या सॉफ्टवेयर। देखिए, ये बिल्कुल 100% नहीं होगा, ये मैं नहीं कहूँगा कि इससे 100% है, क्योंकि इसमें है ना बहुत सारे फॉल्ट भी आ सकते हैं। आपको है ना कुछ वोल्टेज भी चेक करने पड़ेंगे, आपको सप्लाई, बूट सीक्वेंस, ये सब कुछ पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सब कुछ तो एक वीडियो में या किसी भी यूट्यूब के किसी भी वीडियो में नहीं सिखाया जा सकता है। और यूट्यूब के वीडियो में सीख कर प्यारे तुम अपना है ना प्रोफेशनल कैरियर की जो वाट लगा रहे हो ना, क्या बात है। उसके लिए मैं अलग से आपको बता ही देना चाहूँगा, क्योंकि बेटा तुम्हारे नीचे काम करने वाले, डिस्प्ले बनाने वाले, चार्जिंग जैक बनाने वाले जो लड़के थोड़ा सा दम के साथ में किसी इंस्टीट्यूट या अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके आगे सीपीयू एमएमसी पे काम करने लग गए हैं, और आप वहीं पर सभी एक वीडियो जैसे कोई साइट आता है उसका वीडियो देखते हैं, कब तक करोगे। तो खैर कोई बात नहीं है, अकल एक भैंस की जैसे है, थोड़ी मोटी होती है, बैठी होती है, उसको उठाना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरे को यही लगता है कि फील है कि जो यहाँ पे देख रहे हैं दुकान वाले, और कि दुकानों के वीडियो आपके लिए ना एक वरदान है। ये आपको सिर्फ एक हिंट दे सकते हैं, सिखा नहीं सकते हैं, और ऑनलाइन तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, तो ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। तो कोशिश करो कि जितना हो सकता है इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो और अपना नॉलेज बढ़ाओ। जब आपने स्कूल कॉलेज किया था तो भी तो घर पे निकल के किया था ना। क्या ये वीडियो भाषणबाजी का नहीं है, ये वीडियो आपको अकल देने का नहीं है। आपको अकल आ ही जाएगी जब आपके साथी आपसे आगे निकल जाएंगे, पर ये वीडियो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे दो चैनल हैं, और दो चैनल से भी पहले मैं बताना चाहता हूँ, यार प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जो आपने किया उसको अनसब्सक्राइब कर दो। हाँ, अनसब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और फिर से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। क्योंकि रीजन ये है कि जो हमारी YouTube की पॉलिसी है, मैंने पिछली वीडियो भी बताया था, बहुत खराब है। सो हमारे पुराने जो सब्सक्राइबर हैं उनको हमारा नोटिफिकेशन नहीं आ रहा होगा, जैसे इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है छूट जा रहा है। वापस बच्चे कहते हैं सर इस पे बना दो, उस पे बना दो, जबकि ऑलरेडी बहुत से वीडियो बने हुए हैं। सो प्लीज दिमाग में ध्यान रखिएगा, और दो हमारे चैनल हैं उसको जरूर सब्सक्राइब कर लो। फिर मैं जल्दी से वीडियो स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको वो दो चैनल दिखाता हूँ यहाँ से, तो उनको भी सब्सक्राइब कर लो, उनकी भी लिंक आपको नीचे दे दी गई है यहाँ पर। और फेसबुक पे लाइव अभी हम चल रहे हैं, अगर आपने आज तारीख 18 तारीख है, आज 18 है, 18 जून है, आई थिंक 18 जून है, 18 जुलाई, तो आज जो तारीख 18 जुलाई है, तो आप चाहें तो 18 जुलाई की क्लास भी देख सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर ये देखिए, आपने करना क्या है, एशिया टेलीकॉम यहाँ पे सर्च करना है, या तो आपने यहाँ पे लिखना है MoneyRATN मनी रत्न ब्लॉग। पहला ये मैं चैनल दे देता हूँ, ये देखिए ये हमारा चैनल है, मनी रत्न स्टोरी है एक्चुअली, मैं ब्लॉग बोलता हूँ, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मेरे पर्सनल कंटेंट बहुत ज़्यादा है जैसे, और ये आपके लिए भी काफ़ी फायदेमंद वीडियो होने वाला है। इसमें हो सकता है मैं ट्रेवलिंग करता हूँ अपनी वाइफ के साथ, मेरे वाइफ भी कुछ वीडियो डालती है, और बहुत कुछ हम इसमें नया डालेंगे मेरे पर्सनल लाइफ के। दूसरा आपने ये जो चैनल है देवरत्न अग्रवाल, और ऑब्वियस है कि आपने इसको सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, और फिर से मैं कह रहा हूँ इसको कर दीजिए अनसब्सक्राइब, और फिर वापस कीजिए यहाँ पे सब्सक्राइब, और उसके बाद मैं इस पे ऑल पे टिक कर दीजिए, ठीक है। अब एक और चैनल है हमारा, और ये चैनल है एशिया टेलीकॉम, इसमें 2 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर हैं, तो यहाँ पे जाइए और इसको भी सेम सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये तो मेन कंटेंट है, हमारी वेबसाइट में जाके मेरी बुक परचेस कर सकते हैं, बट यार ये है, आइए तो ये जो मैंने बताया इधर आइए। अच्छा इसमें ना मैं एक सेट भी बना रहा था, तो देखो एक सेट बनाते बनाते दिमाग में आया कि चलो ये चीज देनी चाहिए। इधर दिखाइए, ये Redmi Note 5 Pro है, आप देख सकते हैं अभी इसमें MMC BGA 254 उतरा हुआ है, और ये इसका BGA 254 है, ये मैं दिखाना चाहूँगा, दिखाइए ये इसका BGA 254 है, और ये डेड कंडीशन में आया था, और मैंने इसकी 2 IC चेंज करके फिलहाल इस पर 1.8 पोर्ट तो बना लिया है। यहाँ पे दिखाता हूँ कौन कौन से AC, दिखाइए ज़रा,
देखिए ADA, एक ICA जिसमें मेन PM लगा हुआ है इसका, ये देखिए ठीक है, ये है PM 660, और एक इसकी SMB, ये देखिए, और ये IC यहाँ पड़ी हुई है, दिखाइए यहाँ पर, ये देखो ये दो IC यहाँ पर पड़ी हुई हैं। इसको मैंने चेंज किया था और इसको मैंने इस बोर्ड से निकाला था, बोर्ड दिखाइए, ये देखिए ये SMB यहाँ से निकाला था और PM यहाँ से निकाला था, ठीक है, ये स्क्रैप बोर्ड है। तो अब जैसे कि मैंने बोला कि आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा, वसीम और फुरकान दोनों का नंबर मैंने डाला हुआ था, तो वो दोनों का नंबर आपके साथ शेयर किया, उसको वीडियो को पूरा देखना। तो अभी अब ये फोन किस कंडीशन में है, सो देखा जाए तो इस पर 1.8 वोल्टेज आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, देखिए यहाँ से, और दूसरी बात ये अभी पोर्ट बना रहा है, देखिए यहाँ पर दिखाइए, ये थोड़ा कुछ सेकंड बाद पोर्ट बनाता है लगने के, और एक मैंने यहां पर एक देखिए पोर्ट बन गया है हमारा, तो ये आप देख सकते हैं, ये पोर्ट दिखाइए, ये देखिए पोर्ट बन गया है कॉलकम का। तो अभी अगर मैं बात करूं कि ये फोन कौन सी कंडीशन में है, तो ये कंडीशन में जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास फोन एक DC रीडिंग, जैसे आप DC रीडिंग से जान सकते हैं कि आपके फोन में सॉफ्टवेयर फॉल्ट है कि हार्डवेयर है, इसको पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए यहाँ पे आइए। अच्छा देखिए ये मेरा आज का कंटेंट है जो मुझे काम करना है, जैसे Redmi Note 7 Pro पावर, अब ये इसका जो पावर है 6125, ये मुझे चेंज करना है, हालांकि मेरे पास है नहीं है, बट मेरे पास जो दूसरा स्वैपिंग के बोर्ड है उसमें से निकालूंगा। दूसरा इसकी मुझे स्वैपिंग करनी है, इसमें मुझे CPU चेंज करना है, नोट 4 को डायग्नोस करना है, और नोट 5 प्रो मैंने ये जो था ये मेरा डन हो गया, अब मेरा बाकी के कॉन्टेंट बचे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे दिखाइए, तो बेसिकली जो DC मशीन की रीडिंग की अगर मैं बात करूं, तो आप पहले यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिखाइए, ये देखिए इस पर है ना जो ये वोल्टेज होता है ये एम्पियर, तो एम्पियर में ये जीरो के बाद आप देखिए पॉइंट के बाद 3 जीरो है। यहाँ पे देखिए एक है आपका वोल्टेज और एक है आपका एम्पियर, तो आपको 3 जीरो नहीं, आपको 2 जीरो लेके चलने हैं अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो, क्योंकि 3 जीरो हो 4 जीरो 5 जीरो आपको 2 जीरो लेके चलने हैं। तो आप इधर अगर मैं इसकी बात करूं, तो अगर आपके फोन में जब भी आप केबल पावर की कनेक्ट करते हैं, ध्यान देखना, अभी मैं शॉर्टिंग हाफ शॉर्टिंग नहीं बता रहा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, मैं पूरा DC मशीन पे वीडियो बना सकता हूं बहुत अच्छा, और सच में आप क्लास में आएंगे तो आपके अंदर लाइफ चेंज है, खैर नहीं तो बोलेंगे प्रोमो करते हैं सर और करेंगे, ऑब्वियस है कि हमारी क्लासेस है। तो अगर आप केवल पावर की प्रेस नहीं करेंगे, अगर आप केवल यहां पर लिखूं बूट केबल को आपने केबल कनेक्ट किया, पावर की प्रेस नहीं, बूट केबल को आपने कनेक्ट किया और अभी भी आपकी जो रीडिंग है वो ये है, तो ये कहूंगा कि भाई BPH और VSYS या फिर BBAT पर तो शॉर्टिंग नहीं हो सकता है, अब नॉर्मल बूटिंग हो सकता है कि फोन हीट हो रहा हो, बहुत कुछ हो सकता है, पर फिलहाल इतना कह सकते हैं कि प्राइमरी लाइन पे ओके है, ठीक है। और अगर मैं अब बात करूं, अब जब आप पावर की प्रेस कर रहे हैं, ध्यान देना, अगर ये फोन इस रीडिंग पे आके अटक जाता है, स्टक, तो ये एक फॉल्ट बन सकता है, और यही वीडियो इसी फॉल्ट पर है, तो ये इसके लिए मैं प्रैक्टिकल भी दिखा रहा हूं। आप देखिए अगर आपके पास एक फोन आया जिसमें रीडिंग आपकी 0.08 से लेकर 0.12 के बीच में स्टक हो गई, बेसिकली मैं 12 इसको हमने पॉइंट इसको 10 बोल दूंगा, पॉइंट 10 फिलहाल, सो बेसिकली मैं 12 इसलिए नहीं बोला, उस पर भी एक रीजन है ये भी, पर ये मैं क्लास में समझाऊंगा, बट 0.08 से 0.10 तक अगर स्टक होती है, क्योंकि उसके बाद भी होती है तो भी हम मानते हैं ये, बट फिलहाल इतनी रीडिंग पे अगर स्टक होता है तो हम इधर दिखाइए 99% ध्यान देखना, मोबाइल रिपेयरिंग में 1% हमेशा लूप में रहता है, जिसको हम कभी भी एक साइंस जैसे होता है ना साइंटिस्ट, तो हमेशा एक चीज जो हमेशा अनुमानित रहती है 1%, ये हम कभी भी नहीं कह सकते कि 100 to 100%, ठीक है। तो 99% ये ना इधर दिखाइए, ये एक सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है, सॉफ्टवेयर मतलब आपके फोन में, यहां दिखाइए आपके फोन में जो MMC है
वो आपके फोन में दो चीज हो रही है, या तो वो कनेक्ट नहीं हो रही है, या तो उसको वोल्टेज नहीं मिल रहा है। वोल्टेज मतलब एलडीओ वोल्टेज जो उसको मिलते हैं, वीसीसी और वीसीसी क्यू, यहां पर 2.8 और यहां पर 1.8। अगर ये वोल्टेज भी मिस रहेंगे तो भी ऐसे ही होगा, इतने ही रीडिंग पे अटकेगा। पर यहां पर ना आपका फोन अगर आपको क्लियर करना है कि बाकी में सॉफ्टवेयर में है, कहीं ऐसा नहीं कोई हार्डवेयर फॉल्ट भी हो, तो आप ना इसमें पोर्ट चेक कीजिए। कभी भी जब भी ये वाली रीडिंग आए, यहां दिखाइए, जब भी ये वाली रीडिंग आए तो यहां पर आपको ये चीज चेक करनी है, पोर्ट। अगर आपका फोन ऑटो पोर्ट बना रहा है क्वालकॉम में खास तौर पे, तो इसका मतलब सबसे पहले आप एमएमसी के वोल्टेज चेक कीजिए, फिर उसके बाद फिर आप अपनी एमएमसी को निकालकर यूएफआई या जेटेक से उसकी प्रोग्रामिंग कीजिए बेसिकली, और रिबोल करके भी लगा सकते हैं अगर सेट आपका गिरा हुआ है, क्योंकि कई बार गिरने की वजह से भी ये ट्रांसहोल्ड या लूज कनेक्शन हो जाता है, पैड वैड निकल जाते हैं, माइक्रो जंपरिंग करनी पड़ती है, तो ये सारी चीजें होती हैं। सो आपने देखा कि यहाँ पर दिखाइए, ये देखिए इस फोन में एमएमसी नहीं है BJ254, पर ये फोन पोर्ट बना रहा है। पर अगर हम देखें तो इसकी डीसी रीडिंग तो फिर इतनी आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए यहाँ दिखाइए, तुम बताओ कितनी आनी चाहिए, 0.08 to 0.12 या फिर 10 इन बिटवीन, और ये रीडिंग कैसे होनी चाहिए, स्टक। तो चलिए आइए दिखाते हैं यहाँ पर, देखिए। और दोस्तों मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ बूट केबल पे, एक दो दिन के अंदर ही आ जाएगा कि भाई इतनी महंगी बूट केबल अगर आपको नहीं लेनी है, क्योंकि देखो ये बूट केबल का भी क्या हाल हो रखा है, दिखाओ जरा इनको पास से, ये देखो पूरी टूट गई है ना। तो आपने घर पे कैसे बैठ के बूट केबल बना सकते हैं, हालांकि जीएसएम राकेश ने भी एक वीडियो डाला था, तो मेरा भी बनता है सब्सक्राइबर को ये वीडियो देना, तो एक बूट केबल हम भी बनाने वाले हैं, तो उस पर एक वीडियो बना देंगे। तो देखिए मैंने डीसी मशीन को यहाँ पर रखा और डीसी मैंने बूट केबल यहाँ लगाई, तो देखो अभी मैंने क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, आई एम ओनली कनेक्टेड बूट केबल, ठीक है, नॉट पावर की प्रेस। तो मैं बूट केबल लगा रहा हूँ जी, अब दिखाइए, देखिए बूट केबल लगा दी, यहाँ दिखाइए, ये देखिए बूट केबल लग गई है, बट मैंने पावर की प्रेस नहीं की। अब मैं पावर की प्रेस करूँगा और पावर की, ये देखिए, तो ये देखिए तुम बताओ कितनी रीडिंग पे आ रही है, अगर दो जीरो को लेते हो 0.09 स्टक और अप डाउन, स्टक है, मतलब ये बिल्कुल सही बैठा है कि नहीं बैठा है, करेक्ट 0.019 पर स्टक आ गया। इसका मतलब ये है कि इस फोन में जो फॉल्ट है वो ये है, एक 99% कि आपका फोन पे सॉफ्टवेयर इशू है, या तो ये आपके एलडीओ वोल्टेज में, या तो पावर आईसी का सीन है, या तो ये बेसिकली आपकी ईएमएमसी को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, या तो कोई पैड मिस है, या तो आपकी ईएमएमसी डैमेज है, या तो प्रोग्राम से रिलेटेड कोई इशू है। सो ये वीडियो था।
तो हमने ईएमसी लगा दी है और हमने यहाँ पे ईएमसी को चेंज किया है। ये इसकी ईएमसी, ठीक है, इसको हमने चेंज किया है और यहाँ हमने दूसरी वीजी लगाई है। अभी हमने ऑलरेडी फाइल बना के रखी हुई है, ये हमारी स्पेशल फाइल है, ठीक है। तो दोस्तों हमने फाइनली इसको फ्लैश कर लिया है, हमने ईएमसी चेंज कर ली है, ईएमसी की रीडिंग भी मैंने आपको बताई है। अब एक बार इसको ऑन करने का टाइम आ गया है तो मैं इसको बैटरी से ऑन करूंगा, ठीक है, क्योंकि नोट 5 प्रो फर्स्ट टाइम ईएमसी चेंज करने का, डीसी से ऑन तो हो जाता है पर सम टाइम ये बैटरी से ऑन ही होगा। तो देखिए बैटरी लगा दी है, फ़ोन को देख लीजिए, ठीक है, ये सेम फ़ोन है। यहाँ पर नीचे से ऊपर तक हमने अभी एक जम्पर भी मारा हुआ है, आपको जम्पर भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये जम्पर, और ये हमारी ईएमसी, ये हमारा फ़ोन था, ठीक है। अब इस फ़ोन को मैं दिखा देता हूँ, चार्जर लगा के, देखिए तो फोन तो ऑन हो गया हमारा, ठीक है, तो फोन तो ऑन हो गया है, फोन का कोई सीन नहीं है। ये देखिए